नमस्कार, मैं अवधेश मिश्रा, आप सब देखते रहिए भोजपुरी बातें बातें। नमस्ते, मैं दीपाली। एंड सबसे पहले मैं तो मेरी ऑल टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि जो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर है सिद्धि गुप्ता, मेरे लिरिक्स राइटर अच्छू खान जी, मेरी सिंगर रोमी मुखर्जी जी एंड मेरे एक्टर अमित जी, थैंक यू सो मच, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आज स्टूडियो में रिकॉर्डिंग चल रही है हिंदी गाने की। किस तरह का गाना है, क्या मूड है गाने का, और गाने की अगर बात करें तो किस बेस पे बना रही हो, शूटिंग कहाँ करने वाली हो, लोकेशन क्या रखने वाली हो, और हीरो का आपने क्या लुक दिया हुआ है, आप खुद उसमें एक्ट करने वाली हो, इन सब बात। बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए एक्चुअली। पहले भी एक क्वेश्चन मुझे पूछा लिया था किस बेस पे गाना बनाए। मैंने गाना किसी को देख के बनाया है एज अ रियली ये गाने के। अरे मैंने अच्छू ने बहुत सारे गाने मुझे भेजे, मैंने बहुत सारे गाने भी रिजेक्ट किए और ये गाना मुझे बहुत सारा पसंद आया। इसमें कुछ अलग है कि जो हमेशा लड़कियों का दिल टूटता है वही बात है, तो इस टाइम तो नहीं टूटेगा लड़कियाँ, कॉन्फिडेंस लड़की को दिल नहीं टूटेगा इस बार। लोकेशन क्या रखी है शूटिंग का? लोकेशन तो पब का लोकेशन है। नेक्स्ट डेट तो फाइनल नहीं हुई है शूटिंग की, बट सोच रहे हैं कि नेक्स्ट एंडिंग तक मंथली फाइनल हो जाएगी। बात करें स्टार कास्ट की, बहुत अहमियत होती है हिंदी गाना अगर है तो उसमें पास करके चेहरा गाना होना चाहिए या कुछ लुक आउट अच्छा होना चाहिए, गाने को किस मिलना चाहिए, वो भी इंसान सोचता है, तो किस बेस पे। अच्छा, तो जो पुराने हो वो पुराने से कैसे मतलब एक्टर बने हैं, वो तो नए ही एक्टर बने होंगे ना स्टार्टिंग में। बिल्कुल, ऑब्वियसली पब्लिक ये नहीं देखती है, पब्लिक ऐसा ये देखती है कि गाना किस मोमेंट पे बना है, गाने में एक्ट क्या है, वर्क क्या दिया है उन्होंने, परफॉर्मेंस देखती है पब्लिक। तो आपने मतलब आपने अपने माइंड में सोच लिया कि परफॉर्म अच्छा करना है? ऑब्वियसली इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं परफॉर्मेंस अच्छा कर लूँगी, बाकी सब डिपेंड तो पब्लिक पे है। अपने एक्टर के बारे में कुछ बताओ जो आपके साथ एक्ट करने वाले हैं। मेरे साथ एक तो अमित जी करने वाले हैं, और बेचारे ने मेरा दिल तोड़ दिया, गाने में टूटा, ये रियल में नहीं तोड़े है, ये तो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। इन्होंने मुझे मतलब मैं किसी और से रिगार्डिंग से इनसे मिली थी एज अ फ्रेंडली पार्टी में, तो मैंने जो अमित को चॉइस किया, मैं अमित को पूछी कि अमित एक मेरा सॉन्ग है और तुम्हें उसमें काम करना है, तो अमित बोला ओके सोच के बताता हूँ, तो फिर उन्होंने बताया, मैं बोली करना है सोच के नहीं, अमित बोला ठीक है ओके कर लूँगा। हेलो, मेरा नाम अमित गुप्ता है, बेसिकली मैं हूँ बिहार से, बट बॉर्न एंड ब्रॉड सब कुछ कलकत्ता, पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ कलकत्ता में हुई, एंड बिकॉज ऑफ एक्टिंग लास्ट 4 साल से मैं बॉम्बे में हूँ। मैंने थिएटर किया है, बहुत थिएटर किया है, कलकत्ता में भी किया है और यहाँ भी किया है। तकरीबन प्रेमचंद के कहानियाँ हैं 315, उनमें से 312 कहानियों पे हमारे सर जो हमारे डायरेक्टर हैं आइडियल ड्रामा एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी, उनके ये डायरेक्टर हैं, उनका तकरीबन 150 प्लेज में मैंने काम किया है। प्रेमचंद के विजय तेंदुलकर के प्ले में काम किया है मैंने, सहाराम बाइंडर, उसके बाद हरिशंकर परसाई इनके प्लेस में काम किया, उखड़े खंभे, तो मंटो की कहानियों पे हमने काम किया है। तो थिएटर मैंने बहुत सारा कर रखा है, मैं एक्टिंग का बहुत पैशनेट हूँ, एक्टिंग करता हूँ और नेचुरल एक्टिंग पे बिलीव करता हूँ, तो मैंने थिएटर बहुत सारा कर रखा है। रहा सवाल काम का, अगर मैं बात करूँ काम की बात, तो वैसे मैंने शॉर्ट फिल्में की हैं 4-5, जिसमें से 3 रिलीज़ हुई हैं, 2 इज़ येट टू बी रिलीज्ड, और दीपाली ने मुझे अप्रोच किया इसके लिए। ट्रस्ट मी, इतना खूबसूरत गाना लिखा है अच्छू भाई ने, अच्छू भाई सच में बहुत बहुत धन्यवाद, और क्या खूबसूरत लिखा है आपने ये गाना, मतलब वाकई ही। और मैं ऑडियंस से दरख्वास्त करता हूँ कि आप प्लीज़ हम ज़्यादा कुछ मैं इसके बारे में नहीं बोलूँगा, रिवील नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ पब्लिक देखे, और जब देखे तो उसको कुछ नयापन मिले, अगर मैं बता दूँगा तो फिर वो मज़ा रहेगा नहीं, तो मैं चाहता हूँ आप लोग देखिए, और ट्रस्ट मी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा ये गाना। सच में कितनी तैयारी मेरी है गाने के लिए, आपने गाना तो एकदम लिया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे पहली चीज़, जो सॉन्ग है हमने उसके मूड को समझा है, मैं अच्छू भाई चूँकि राइटर हैं, और राइटर एक जो गाना लिखता है, जो जो लिरिक्स लिखता है, वो उसका
विधाता होता है, उसको पता है उसने क्या सोच के लिखा है। तो इनके साथ बैठ के मेरी सबसे पहली जो डिस्कशन मेरी और दीपाली की इनके साथ ये रही कि सर आपने क्या सोच के लिखा, तो ये इन्होंने जो सोच के और जो खुशबू उसमें डालने की कोशिश की है, हम दोनों उस खुशबू को पकड़ना चाहते हैं और वही खुशबू हम कैमरे के सामने दिखाना चाहते हैं। यस, मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ इस गाने के लिए, इसलिए सो एक्साइटेड हूँ इस गाने के लिए कि पब्लिक रिस्पांस क्या मिलता है मुझे इस गाने में। एंड फर्स्ट गाना मैं एल्बम प्रोड्यूस कर रही हूँ। मैंने सुना है कि कबूतर पैसा मांगकर आपको मिला हो जाए, ऐसा मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ अब तक। मतलब तैयार हो? हाँ, मैं पूरी तैयार। रिलीजिंग की डेट अभी शूटिंग की डेट ही फाइनल नहीं हुई है, तो रिलीजिंग के बारे में बताना। आपके गाने जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हैदर भाई। और आपसे ये हमने 5-6 गाने बहुत पहले रिलीज़ भी कराया है, तो शुरुआत वहीं से हुआ आपसे ही। और अभी तो दीपाली मिली, ये भाई साहब मिले, और थोड़ा इधर उधर से कुछ गुरु लोग हमारे हैं उनसे लिखना थोड़ा सीखा। और दीपाली का थोड़ा कहीं से दिल टूटा थोड़ा, वो मुझे बोली कि अच्छू एक गाना मुझे थोड़ा दिल जला टाइप का लिख के दीजिए, तो मैं बोला तुम खाली हिंद बताओ मैं लिख के देता हूँ आपको, कोशिश कर। राइटिंग में मज़ा है कि एक्टिंग में मज़ा है? आपने राइटिंग पहले शायद नहीं की है, जो पहले पहले गाने देखे? जी नहीं, पहले आपने एक्ट किया था? हाँ, एक्ट किया तो उसमें मैंने ही लिखा था और मैं ही एक्ट किया था। और अब मज़ा आता है कि राइटिंग करूँ कैमरे के पीछे से, मज़ा जो है कैमरे के सामने मज़ा नहीं। नहीं करेंगे ये जो अभी हम लोग गाना निकाल रहे हैं, इसमें साइड में मैं भी रहूँगा, मेन ये भाई साहब रहेंगे और साइड में रहूँगा मैं। और बाकी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कम से कम अच्छा सा शूटिंग भी हो जाए, अच्छा सा बने और लोगों को पसंद आए, ताकि पीछे से फिर बाद में हम कुछ और कर सकें नया। अभी तो बहुत पहले निकाला था, एक साल पहले, और आपने ही निकाला था हमारा गाना। इसके अलावा और क्या चल रहा है? इसके अलावा हम फैशन डिजाइनर हैं और ये करते हैं, फैशन डिजाइनिंग का काम भी करते हैं, ड्रेस का। हाँ, ड्रेस का, लेडीज का जी नहीं, लड़कियों के लड़कियों का डिजाइन करते हैं भाई, क्या करें, दुश्मन है लड़कियों का। दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि हमारे गाने का सपोर्ट करें और हमें आगे बढ़ने के लिए दुआएं करें। बाकी इंशाल्लाह हम लोग मेहनत करेंगे जो हो सकेगा। सब पब्लिक ने मुझे आज तक बहुत सपोर्ट दिया, एंड जितने गाने आज तक 2-3 बने, काशी स्टूडियो ने भी मुझे सपोर्ट किया, एंड सपोर्टेड माय प्रेम यादव जी, उन्होंने भी बहुत मुझे सपोर्ट किया। तो थैंक यू सो मच मैं कहना चाहूँगी, एंड थैंक यू सो मच, मेरे गाने को प्लीज़ लाइक करें, पसंद करें प्लीज़, एंड सपोर्ट दें। गाइज, यू हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड ट्रस्ट मी, जस्ट गो एंड वॉच इट वेन एवर इट विल कम, जस्ट watch it, do share, subscribe if you like it, and trust me, if you're gonna watch it, you're gonna like it. Thank you. Thank you. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.